राधे भगवान क्षमा नहीं कर सकते अगर भक्त के प्रति अपराध हुआ तो। विष्णु स्थाने कृतम पापम गुरु स्थाने प्रमुच्यते, भगवान के प्रति अपराध हो जाए तो गुरु क्षमा कर देगा और गुरु स्थाने कृतम पापम वज्रदेवो भविष्यति, उसका कोई क्षमा नहीं है, भगवान नहीं कर सकते, वही महापुरुष कर सकता है। गौरांग महाप्रभु के जमाने में एक पुंडरीक विद्यानिधि थे, बड़े ऐशो आराम में रहते थे, सोने का पलंग और ठाट, 50 स्त्रियां सेवा कर रही हैं। तो भगवान ने एक दिन बैठे बैठे कहा, अरे भाई एक भक्त से मिलने जाना है। और बड़े बदनाम थे पुंडरीक विद्यानिधि, तो भक्तों ने सोचा पता नहीं किसी भक्त के पास जाएंगे, और वो चल दिए पुंडरीक विद्यानिधि के घर पर पहुंचे। सब सत्संगी बड़े बड़े विद्वान भी थे, क्या है क्या सूझा है गुरुजी को, इसके यहां जा रहे हैं इतना बदनाम आदमी। और वहां जैसे पहुंचे और दोनों लिपट गए, चिपटा लिया। गौरांग महाप्रभु ने पुंडरीक विद्यानिधि को, अब और दिमाग खराब हुआ इन लोगों का, एक का अधिक खराब हुआ। और लोगों ने तो कहा है जब गौरांग महाप्रभु चिपटा रहे हैं तो ठीक ही है, और कोई गड़बड़ नहीं, हम लोग नहीं समझ सकते। जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है ऐसे इनकी स्थिति होगी, शास्त्र वेद तो सब पढ़े ही हैं, जानते हैं, लेकिन एक का दिमाग बहुत खराब हो गया। तो महाप्रभु जी ने कहा है ये क्यों आया है यहां हमारे पास, महाराज तो रोज आता है, ना इसने नामा अपराध किया है, एक संत का अपमान किया है, कह दो चला जाए हमें मुंह न दिखाए। आप सब संत कौन बोले। तो बहुत धीरे धीरे दूसरी दो तीन दिन बीत गए, जब तो लोगों ने कहा महाराज क्षमा कर दीजिए उसको। उन्होंने कहा जाओ उससे कहो कि पुंडरीक विद्यानिधि से दीक्षा ले, उनका शिष्य बने तो मैं क्षमा कर सकता हूं। जिस संत के प्रति अपराध हो वही क्षमा कर सकता है। तो जैसी भक्ति भगवान में हो वैसी भक्ति गुरु में हो। भक्ति इससे अधिक मद भक्त पूजा भ्यधिका, भागवत कह रही है मेरे भक्त की पूजा उपासना सेवा मुझसे अधिक करनी चाहिए। ये मे भक्त जना पार्थ, जो मेरे भक्त हैं, न मे भक्तास्त्यते जना मद भक्तस्य जे भक्ता, आदि पुराण कहता है जो मेरे भक्त के भक्त हैं वही सच्चे भक्त हैं। तो भगवान की भक्ति से ही भगवान मिलेंगे, लेकिन अकेले भगवान की भक्ति से भगवान नहीं मिलते हैं, गुरु और भगवान दोनों को साथ रखकर, दोनों को एक लेवल पर रखकर भक्ति करनी होगी, ये शर्त है। क्यों? इसलिए कि वो गुरु है क्या, जानते हो, गुरु भगवान एक है। गुरु जब भगवत प्राप्ति कर लेता है तो कुछ नहीं करता, उसका कर्म भगवान करता है, उसकी छुट्टी, वो केवल आनंद में निमग्न रहता है, काम उसका भगवान करेंगे। जैसे इंद्रियां, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे आत्मा, उससे परे माया, उससे परे भगवान, जब माया चली गई
तो इंद्रियों से परे, मन उससे परे, बुद्धि उससे परे, भगवान। अब भगवान वर्क करेंगे, वैसे बुद्धि करेगी, वैसे मन करेगा, वैसे इंद्रियां करेंगी। ये तुलसीदास की रामायण को हम लोग क्यों मानते हैं? तुलसीदास की लिखी हुई। अरे कभी ना माने हम विद्वान लोग तो काट के फेंक दे, ये राम की वाणी है। तुलसीदास कुछ नहीं करते, वो तो सरेंडर कर दिए छुट्टी। ये राम की वाणी है, इसलिए हम मानते हैं महापुरुष के ग्रंथ को। वेद व्यास की वाणी है, ये भगवान की वाणी है, उसका सम्मान इसलिए होता है कि एक अक्षर हम उसको हटा नहीं सकते इधर से उधर। तो भगवान और महापुरुष में कोई भेद नहीं है, इसलिए नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं, रजस्तमश्च सत्वेन सत्पञ्चोपशमेन च। रजोगुण तमोगुण को सत्वगुण से समाप्त करो और सत्वगुण को भगवत भक्ति से समाप्त करो। बड़ा लंबा है, लॉन्ग जर्नी, लेकिन एतत् सर्वं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यञ्जसा जयेत्। केवल गुरु भक्ति कर लो, सत्व गुण रजोगुण तमोगुण तीनों समाप्त हो जाएंगे। उसको घूम के नहीं जाना है, सीधा रास्ता। सात स्कंद के 15वें अध्याय का 25वां श्लोक, यस्य साक्षात भगवति, वो साक्षात भगवान है गुरु। ज्ञान दीप प्रदे गुरु, ज्ञान का दीपक दे दिखाने वाला वो गुरु। मर्त्या सद्धि श्रुतम तस्य सर्वं कुंजर शौचवत्, एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। बार बार कह रहे हैं नारद जी कि वो साक्षात भगवान है और उसमें माइक बुद्धि, मर्त बुद्धि लाया अगर तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। जैसे हाथी नहाने के बाद धूल डाल लेता है अपने ऊपर, कुंजर की तरह। आचार्य माम बिजानी आ नाव मन्ने तो कर हिचित, स्वयं भगवान कह रहे हैं उद्धव आचार्य को, गुरु को मुझे मानो, मैं ही हूं। तो गुरु का शरीर है खाली, उसमें मैं वर्क कर रहा हूं। न मर्त बुद्ध्यासु, ये तो मनुष्य की बुद्धि मत लाओ कि इसके भी हाथ पैर नाक कान आंख है, ये भी देखता है, सुनता है, सूंघता है, खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है। अरे ये सब मत देखो, उसके अंदर मैं हूं, मैं वर्क कर रहा हूं। उसकी छुट्टी हो गई। तस्त कार्यम न विद्यते गुणातीत स्थित प्रज्ञो विष्णु भक्तश्च कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् शास्त्रमसमान निवर्तते। वो कृतकृत्य हो गया, कृत्य माने कर्म, कृत माने कर चुका, अब उसे कुछ नहीं करना है। जैसे मक्खन को पकाते हो तो बोलता है पट 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 पट, चुप। जब पक गया तो चुप हो गया, अब नहीं बोलेगा। लगाओ टेम्परेचर, वो नहीं बोलेगा, जल जाएगा, बोलेगा नहीं। लेकिन जब कच्ची रोटी डालोगे उसमें, जिसको पूड़ी कहते हो, आप बोला, पूड़ी पक गई, हाँ, फिर चुप, दूसरी पूड़ी पड़ी, फिर बोला, अपने लिए नहीं बोला, पूड़ी के लिए बोला। जितने महापुरुष हैं, इन्होंने सब कर्म किए। मनुष्य क्या करेगा, करोड़ों मर्डर, आप लोगों में किसी ने एक मर्डर नहीं किया होगा। हनुमान जी को देखो, और ब्राह्मणों को मारा है, ब्रह्म हत्या जिसे कहते हैं। अर्जुन को देखो, अपने गुरुजनों का मर्डर किया है। लेकिन एक क्षण को सर्वत्र भगवान को भी भूले नहीं। तस्मात सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, प्रतिक्षण भगवान का चिंतन किया है सर्वत्र।
तो भगवान का स्मरण निरंतर करते हुए और माया का वर्क कर रहे हैं, हम देख रहे हैं माया का वर्क, तो हम क्या कहेंगे? माइक है, घोर माइक है, इतनी हत्याएं की है इसने। भगवान करे तो करे, महापुरुष भी, एक गौरांग महाप्रभु कह रहे हैं नित्यानंद से, जाओ दो ब्याह कर लो। अरे दो ब्याह कर लो, आप तो बीबी को छोड़ करके सन्यासी बने और उनसे कह रहे हैं दो ब्याह कर लो, ऐसे बाबा लोग क्या है? उस समय हम लोगों ने खूब गाली दी थी चैतन्य देव को, अब वो चले गए तो गौर हरी गौर हरी गौर हरी ऐसा बोलते। जब जब संत लोग आए, हमने 25 बुराइयां उनकी की, झूठी सच्ची सब मिला के, और जब वो चले गए तो फिर उनकी पूजा करते हैं। ये रैदास जयंती है, ये खोपड़ा दास जयंती है, बड़ी बड़ी बातें होती। तो जैसी भक्ति भगवान में हो वैसी भक्ति गुरु में हो, तो प्रकाश्यन्ते महात्मनः, वो देंगे भगवान ही, लेकिन गुरु के केयर आप देते हैं। उद्धव को सखा होकर भी नो धवोपि मन न्यूना, भागवत कहती है उद्धव मुझसे कम नहीं है, लेकिन प्रेम नहीं है उनके पास। तो उन्होंने कहा कि जाओ गोपियों को ज्ञान दे आओ। उद्धव समझे नहीं ज्ञान दे आओ का मतलब क्या होता, वो समझे उनको उपदेश दे आओ ज्ञान का, अहम ब्रह्मास्मि का, और भगवान का मतलब था ज्ञान को उनको दे आओ और भक्ति ले आओ वहां से। वो गए, लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, अंत में हार गए। वेद की ऋचाएं थर्ड क्लास की गोपियां हैं, जो गोलोक से आई हैं गोपियां वो सखी भाव की महापुरुष हैं, और ये सकाम भक्त हैं। वेद की ऋचाएं, भयमपिते समाह समदिशोंग्र सरोज सुधा, भागवत कहती है ये सकाम गोपियां वेद की ऋचाएं ये उद्धव से कहती है, हमको पढ़ के तो तुम ज्ञानी बने हो और हम ही को लेक्चर देने आए हो। अरे तुम क्या समझो ज्ञान किसे कहते हैं? अरे संसार में अगर किसी के प्रति हमें ज्ञान होता है उसके गुणों का, तो प्रेम होता है ना, और जब प्रेम ही नहीं हुआ तो तुम्हें क्या ज्ञान है? धोखा, तुम्हें उस पर विश्वास नहीं है। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति से ही काम बनेगा। गीता ले लो, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भक्त के लिए भगवान कहते हैं मैं योग क्षेम वहन करूंगा, किसी ज्ञानी के लिए नहीं कहा, किसी कर्मी के लिए नहीं कहा। 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, और मुझे जो कुछ दे दे कोई भक्ति से, अमीर नहीं है पत्ता दे दे, अच्छा पत्ता भी नहीं तोड़ सकता पानी दे दे, पानी तो पीता है एक आदमी, तो यम मैं प्रेम से ग्रहण करूंगा उसको। 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिसा। गीता, अत्यंत दुराचारी भी हो और अगर मेरी शरणागति कर लिया, मेरी भक्ति कर लिया उसने, उसको साधु ही कहो, वो प्रारब्ध से दुराचार उसमें आ गया है, वो खत्म हो जाएगा अपने आप, वो महापुरुष ही है। 9वें अध्याय का 30वां श्लोक,
और एक जगह तो चैलेंज कर दिया श्री कृष्ण ने, कौन्तेय प्रतिजानी नमे भक्त प्रणश्यति, नवे अध्याय का 31वां श्लोक। मैं चैलेंज करता हूं अर्जुन, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। ज्ञानी का होगा, ये नेरबिंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वयस्त भावा दबिशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोना धृत युष्म दंग्रया तथा नते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु। प्रभो भागवत, ज्ञानी अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर भी गिर जाएगा, बिना भक्ति के मोक्ष नहीं हो सकता। ज्ञानी की वो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार इतने का तो भेदन कर देगा, इतने को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन महान और प्रकृति ये दो तत्व को नहीं पार कर सकता। फिर माया के एरिया में आ जाएगा, 84 लाख में घूमा गया, जड़ भर तरीके परमहंस को हिरण बनना पड़ा। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। निरंजन ज्ञान और नैष्कर्म ज्ञान से युक्त भी हो जाए कोई तो भी पतन हो जाएगा। क्यों? ध्यान दो, क्यों? एक प्रतिज्ञा है भगवान की, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते। मेरी माया है त्रिगुणमयी, मेरी, अरे वो तो जड़ है, अरे जड़ है लेकिन मेरी है, मेरी पावर से वो वर्क करती है, इसलिए मेरे बराबर पावर है उसमें। ध्यान दो, माया में कितनी पावर है भगवान के बराबर। एक लठिया है, उस लठिया से किसी ने मारा किसी को, तो अगर कमजोर आदमी ने मारा तो लग गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, और अगर दारा सिंह ने मारा तो सर के दो हिस्से हो गए। तो ये शक्ति जो माया जड़ है ये मेरी है, मेरे बराबर पावर इसमें, इसलिए मेरे सिवा इस माया को कोई ऋषि मुनि योगी नहीं जीत सकता। मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आएंगे उन पर कृपा करके मैं कह दूंगा माया से छोड़ दे। जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर प्यारे, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर, जयति गुरुवर। शंकर प्यारे,
शंकर प्यारे नटवर तेरे पाछे चलत नटवर चहत पद रज प्यारे तेरे पाछे चलत नटवर चहत पद रज प्यारे चहत पद रज प्यारे पतित भावे प्यारे हरि ही भावे शुद्ध जन तुही पतित भावे प्यारे पतित भावे